राम मोरे राम ए भोले जोगिया हो सरवन 12 बरस क भइले और घर में ब्याहे नार लइले सेवा मात पिता क कइले दिन ओरा राम नाम के नाम से जल शरीर हो जात नाही आवत जाल में काल खड़ा पछता राम कहे कोढ़ी तरी जिनके तन नहीं चाम सुंदर दहिया पाई के मनवा भजलो हरि का राम नगरिया राम की बसत गंग के तीर अचल राज महाराज की चौकी हनुमत बिरहा सेवा कैसे के संसार में आज चर्चा है सारे देश में परदेश में भी चर्चा है कि महतारी बाप को सेवा कैसे किया जाता कहना है रामा 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 जननवा जीव पताल होई के ना रामा 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 जननवा जीव पताल होई के ना रामा 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 जननवा जीव पताल होई के ना सरवन 12 वर्ष पलैया एन गवनवा जननवा जीव पताल होई के ना सरवन के महतारी बाप जी सुनिए बात बिचारी अंधी अंधा सरवन जी के रहे बाप महतारी जी अंधी अंधा मन में सोचे है मुसीबत भारी जी बचवा हमरे अकेले सहत मुसीबत सारी जी पता नहीं कब शादी हुई है घर यही है बहुआरी सुने वाले दोस्त महतारी बाप दोनों अंधी अंधा सरवण जी के सोचत हैं बच्चा हमार अकेले सेवा करता कहूं पतो हुआ जाते तो और सेवा हमार बढ़ जात यही बात पर शादी की तो जब दुल्हन आई तो अंधी अंधा मन में हर से देख बदी बहु की तरसे टपक नीर नयन से जस बरस समनवा जननवा जुक ताल होई के अरे अंधी अंधा मन में अरसे और देखई बदी बहु के तर से टपक नीर नयन से जस बरस समनवा जननवा जीवक काल होई जना ऐसे कुछ दिन बीती गवा सरवन क नार गई अरिसिया कब जीव छोड़ी है अंधी अंधा
बैठे भगवान गए उबियाए, खटिया खटिया खीर खियावे, अंधी अंधा गए दुबराए। एक दिन श्रवण देखन लागे, पिता के संग में गई ले खाए, पिता कथारी अपुआ लई लेन, आपन पिता के दियनी सरकार। बाप महतारी वाले थारे में एकदम नमक खट्टी खट्टी खीर, और अपने पति के मीठा मीठा खीर दे। श्रवण कुमार जब बदल दे तो औरत बहुत नाराज बा। तो नारी बोली सुना पति, अब थारी बदल जिन मती नहीं होई आई बेलनन कगम सनवा जनन मजुक काल होई देना। श्रवण कुमार अपने औरत के कहे, हमार घर छोड़ दो, हम माँ बाप के सेवा से हम वंचित नहीं रह सकित, हमार घर छोड़ दो। औरत रोवत ऐसा गलती न करे, लेकिन श्रवण कुमार कहे ना। तो जब अपने मुँह में खीर नावत है बाप महतारी वाला तो एकदम नमक, कहना है खीरिया खवाए नहीं, अरे लागे नून खार हो खीरिया खवाए नहीं। मेहरारू कहत गलती माफ कर दे। श्रवण कुमार कहे ना, चल पहुँचाई दे बरु नई हरवा, चल पहुँचाई दे बरु नई हरवा, चल पहुँचाई दे बरु नई हरवा। अरे चल हम पहुँचाई दे तो के नई हरवा, और ना ही कौन दिनवा दाई देबू तू जहरवा, नहीं कौन दिनवा दाई देबू तू जहरवा। बुलुक बुलुक रोए लागी श्रवण कनारी, महतारी बाप अंधी अंधा रोए से काम न चले। अरे कितना मनावे लेकिन माने नहीं यार रे खीरिया खवाए नहीं। खबरदार, सब नौटंकी छोड़ो, चलो हमार घर छोड़ दो। श्रवण कुमार बहुत नाराज हैं, होत का बच्चा ली गाई गोरी जब अपने नाई हरवा, श्रवण सोचे लागन मन में बिचरवा।
रखवाए। तारी बाप कहते हैं बेटा तुम अंधी अंधा के बेटा तुम औरत न छोड़ो बेटा किसी तरह से तुम्हार शादी भई। कहे नहीं माँ हम अकेले सेवा करब। सरवन कहे करब हम सेवा खियोबे कंद फूल फल मेवा। अरे देवी देवा पूजबे गंगा सननवा जननवा जुककार हो गए काल हो गए ना। सुने वाले दोस्त ये गाना सुने तो महतारी बाप को सेवा किया कैसे जात जरा ध्यान दें आप। फिर भी औरत संघ नहीं छोड़ता। सरवन कुमार सोचत हैं कैसे तीर्थ कराओ गाड़ी मोटर का साधन तो कोई बा नहीं। सोचत हैं कि कवन जतनिया से हम तीरथी कराऊब। कवन जतनिया से अरे हम तीरथी कराऊब कि कठी लिहल बानी हो बहिया। सोचत हैं कैसे तीर्थ कराऊ। कहे कवन जतनिया से आखिर हम दुनिया में घूमऊ बैकी कठी लिहल कावारी रे बनवाई। आगे पिताजी के अब पीछे माताजी के बैठा ये कंधे पर लेके जाते हैं। वाह सेवा भक्ति क्या है। अरे चलत चलत एक दिन दोपहर होई गए जंगलों में अंधी अंधा गाई ले रे ये पुलाई। अंधी अंधा बहुत दुखी हैं। सारे तीरथ करके जब लौटे तो सोचत है बेटा हलका सुखानी बबुआ लाग बापियसिया। अरे हलका सुखानी बचवा लागल बापियसिया कितनी देते पानी अरे पिया। बेटा प्यास कुमारी हलक सुखी बा। सरवन सोच लागन अपने मन में सोच विचार आखिर कैसे दे पानी अरे मनाई। अंधी अंधा के छोड़ी दहले सुन बीच बनावा में सरवन जी गाई ले हो सुने वाले मित्र।
सरवण लाई के कमंडल भागे या सरजू नीर भरन जब लागे। जब कमंडल भग भकान वही समय में राजा दशरथ शिकार खेले गए हैं और सगे भाई ने सरवण कुमार तो सरवण लाई के कमंडल भागे या सरजू नीर भरन जब लागे। जब कमंडल के भभकाए की आवाज आए तो राजा शिकार खेले गए ले बिया बनवा जननवा जुक कार होए उसी समय में दशरथ जी बेअंदाज के तीर चलाए शब्द वेदी बाण मारा कहना है मिर्गा समझ के सुनो राजा दशरथ मिर्गा समझ के सुनो राजा दशरथ अरे अंदाजे में तीर चलाना पड़ा मिर्गा समझ के सुनो राजा दशरथ अरे अंदाजे में तीर चलाना पड़ा अंदाजों में तीर चलाना पड़ा। जब लगा बाण सरवन गिरे जल में जब लगा बाण सरवन गिरे जल में आहे राम की आवाज लगाना पड़ा लगाना पड़ा आहे राम की आवाज तो लगाना पड़ा आहे राम की आवाज लगाना पड़ा आहे राम की आवाज लगाना पड़ा। मिर्गा समझ के सुनो राजा दशरथ अंदाजों में तीर चलाना पड़ा। जब लगा बाण सरवन गिरे जल में आहे दर्द भरी आवाज राम का सुनाना पड़ा। जब दर्द भरी आवाज सुने राजा दशरथ झट दे सरवन के गोद में उठाना पड़ा बाबू साहब कहना है दर्द भरी आवाज जब सुने राजा दशरथ आहे राम की झट दे सरवण के गोद में उठाना पड़ा। तो रोक कहत है सरवण के मामा एका किया प्यासे माता पिता मेरी अंधी अंधा प्यासे माता पिता मेरी अंधी अंधा नीर आपी को आज पिलाना पड़ा मामा। वैसे हमारी भक्ति पूरी कैसे हुए ये जल आप पियाई हैं और पानी लेके जाई ही मामा तो बोली ही न बोल दे ही आवाज पहचान दे ही तो मेरे माई बाप पानी ने पी तो हमार तरन तार कैसे हुए। कहत है सरवन कुमार लई जाती है हाथ में पानी कसे बोले जिन कछु बानी
रामा रामा यरे हो मोरे रामा 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 यरे हो मोरे रामा बचे जिन गानी मम्मा तब हुई है तरन मारे जननवा जो कसाल हो गया हमार जिंदगानी बचे मम्मा तब हमार तरन तार होए कहत है सरवन कुमार अंतिम में मरती समय कि मामा तू जल लई राजा जल्दी भागे रामा रामा हो रामा जल्दी भागे रामा रामा यरे रामा औ अंधी अंधा के पहुंच गइले आगे रामा रामा भजु रामा बाबू साहब सरवन कुमार की महतारी बाप सोचे थे कि बहुत देर हो गया मेरा बेटा नहीं आए। थोड़ी देर के बाद कुछ आवाज आवा तक के है भैया कहे है बोलते काहे न। अब राजा साहब बोले कैसे बोले दशरथ जी तो कहत है नंधी अंधा चुप क्यों खड़ी अभेद नहीं जानी रामा रामा भजु रामा पानी राम राम भज रामा सुनाए राम रामा भजु रामा राम राम
वाले मित्र अंधी अंधा श्राप दे दिया कि जैसे बेटा मेरा मरा और पुत्र शोक में हम तड़प के मरत है वैसे ही दशा आपको हुई, यही श्राप दिया। इतना कह के गए सुरधाम और हर जब बन जात रहे सीता, अरे निकल गया लड़ाई राजा दशरथ का परनवा जननवा जी पकार। सुनने वाले मित्र इसी पर कहना है, हरि जब बनवा गई लेना निकरल दशरथ का परनवा, राम जब बनवा गई लेना बाप कर श्राप छुटे ना भैया, सब के समझाई कभी तैया हो भैया, सेवा कैले हमरे भैया ऊंचा माई और बपैया, बतिया समझ सब वीर नवा हरि जब बनवा गई लेना। जग में सेवा यह महान, सर्वन का लोग करें गुणगान, भक्ति लिखी गई सुनमान, पतिया समझ सब श्रीमान, जे के जाने जग जानवा हरि जब बनवा गई लेना। संसार में चर्चा बा तो उनकर चर्चा लोग करे तमाम, सर्वन कर सेवा जग में चर्चा करे सुन घन श्याम, जननवा जीव का काल हो गयना, अरे राम कैलाश सुनावे पंचन के समनवा नयनवा जीव का काल हो गए। हो जाए नवरिया सबके पार।